हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज टू पॉइंट टू से क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर फोर देखिए शेड फर्स्ट पार्ट दिया गया वन अपॉइंट टू ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स से कहा गया कि बॉक्स ए में जो सर्कल्स दिए गए हैं उन सर्कल्स का वन अपॉइंट टू पार्ट शेड कीजिए तो यहाँ पर देखिए ये है बॉक्स ए ठीक है अब इस बॉक्स में देखिए सर्कल्स बने हुए हैं तो हमें इन सर्कल्स का वन अपॉइंट टू पार्ट शेड करना है तो देखिए एक बार पहले आप रफ में ये समझिए कि सर्कल्स का वन अपॉइन्ट टू पार्ट कितना होगा तो देखिए वन अपॉइंट टू ऑफ सर्कल्स कितना होगा वन अपॉइंट टू ऐसे ही लिखा ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई अब सर्कल्स देखिए बॉक्स में कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व सर्कल्स हैं अब देखिए टू और ट्वेल्व ये दोनों वन के अलावा टू से डिवाइड होते हैं टू वन ज टू टू सिक्स ट्वेल्व तो वन को सिक्स से मल्टीप्लाई करा कितना आया सिक्स तो यानी हमें इस बॉक्स में सिक्स सर्कल्स शेड करने हैं तो देखिए इस तरह से सिक्स सर्कल्स हम शेड कर देंगे ये हमने वन सर्कल शेड कर दिया तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सिक्स सर्कल्स हमने शेड कर दिए तो देखिए हमें इस बॉक्स ए में जो ट्वेल्व सर्कल्स दिए गए थे उनका वन अपॉइंट टू पार्ट शेड करना था और ट्वेल्व सर्कल्स का वन अपॉइंट टू पार्ट कितना आया सिक्स सर्कल्स तो हमने यहाँ पर ये सिक्स सर्कल्स शेड कर दिए अब सेकंड पार्ट देखिए दिया गया है शेड टू अपॉन थ्री ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी की बॉक्स बी में दिए गए ट्राइंगल्स का टू अपॉन थ्री पार्ट शेड कीजिए अब देखिए ये है बॉक्स बी और इस बॉक्स बी में ये ट्राइंगल्स दिए गए तो अब हमें इन ट्राइंगल्स का टू अपॉन थ्री पार्ट शेड करना है तो देखिए एक बार तो हम ये रफ में पता करके देखेंगे कि ट्राएंगल्स का टू अपॉइंट थ्री पार्ट कितना हुआ तो टू अपॉन्ट थ्री ऑफ ट्राइंगल्स तो देखिए टू अपॉइन्ट थ्री ऐसे लिखेंगे ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई अब ट्राइंगल्स देखिए इस बॉक्स में कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन ट्राइंगल्स हैं अब देखिए थ्री और नाइन ये दोनों वन के अलावा थ्री से डिवाइड हो जाते हैं थ्री वन ज़ा थ्री 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 ज़ा नाइन तो टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया सिक्स तो यानी हमें यहाँ पर इस बॉक्स में सिक्स ट्राइंगल्स शेड करने हैं तो देखिए मैंने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ट्राइंगल्स शेड कर दिए हैं तो हमें इस बॉक्स बी में दिए गए नाइन ट्राइंगल्स का टू अपॉइंट थ्री पार्ट शेड करना था नाइन ट्राइंगल्स का टू अपॉइंट थ्री पार्ट कितना आया सिक्स ट्राइंगल्स तो ये सिक्स ट्राइंगल्स मैंने शेड कर दिए हैं अब थर्ड पार्ट देखिए दिया गया है शेड थ्री अपॉइंट फाइव ऑफ द स्क्वेयर्स इन बॉक्स सी बॉक्स सी में दिए गए स्क्वेयर्स का थ्री अपॉन फाइव पार्ट शेड कीजिए तो देखिए यह है बॉक्स सी और इस बॉक्स में ये स्क्वेयर्स बने हुए हैं तो हमें इन स्क्वेयर्स का थ्री अपॉन फाइव पार्ट शेड करना है तो देखिए सबसे पहले तो हम रफ में एक बार पता कर लेंगे कि इन स्क्वेयर्स का थ्री अपॉन फाइव पार्ट कितना होगा तो देखिए थ्री फ़ाइव ऐसे लिखा ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई अब स्क्वेयर्स देखिए इस बॉक्स सी में कितने स्क्वेयर्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटी फिफ्टीन फिफ्टीन स्क्वेयर्स हैं अब देखिए फाइव और फिफ्टीन ये दोनों फाइव से डिवाइड हो रहे हैं फाइव वन जा फाइव फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करा कितना आया थ्री थ्री जा नाइन तो यानी हमें इस बॉक्स सी में नाइन स्क्वेयर्स शेड करने हैं तो देखिए मैंने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन स्क्वेयर्स शेड कर दिए हैं तो मुझे इस ट्राइंगल में दिए गए फिफ्टीन स्क्वेयर्स का थ्री अपॉइन्ट फाइव पार्ट शेड करना था और फिफ्टीन स्क्वेयर्स का थ्री अपॉइंट फाइव पार्ट कितना आया नाइन तो इसलिए हमने यहाँ पे नाइन स्क्वेयर्स शेड कर दिए हैं ठीक है अब क्वेश्चन नंबर फाइव सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव है फाइंड ए पार्ट दिया गया है वन अपॉइंट टू ओ फर्स्ट पार्ट दिया गया ट्वेंटी फोर सेकेंड पार्ट दिया गया फोर्टी सिक्स तो देखिए हमें फ़र्स्ट पार्ट में वन अपॉइंट टू ऑफ ट्वेंटी फोर बताना है क्या होगा और सेकेंड पार्ट में हमें बताना है कि वन अपॉइंट टू ऑफ फोर्टी सिक्स कितना होगा तो देखिए फर्स्ट पार्ट वन अपॉन्ट टू ऑफ ट्वेंटी फोर कि ट्वेंटी फोर का वन अपॉइंट टू कितना होगा तो देखिए वन अपॉन्ट टू हमने ऐसे लिखा ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा और फिर ट्वेंटी फोर ये ऐसे लिखा अब देखिए टू और ट्वेंटी फोर ये दोनों टू से डिवाइड हो रहे हैं टू वनजार टू टू वन जरा टू 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 ज़ा फोर वन को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया ट्वेल्व तो वन अपॉइन्ट टू ऑफ ट्वेंटी फोर कितना होगा ट्वेल्व सेकेंड पार्ट देखिए दिया गया वन अपॉइंट टू ऑफ फोर्टी सिक्स अब हमें फोर्टी सिक्स का वन अपॉइंट टू बताना है कितना होगा तो देखिए वन अपॉन्ट टू ऐसे ही लिखा ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और फिर फोर्टी सिक्स ही ऐसे ही लिखा अब टू और फोर्टी सिक्स ये दोनों टू से डिवाइड हो रहे हैं टू वन जॉ टू फोर्टी सिक्स को टू से डिवाइड करेंगे तो देखिए टू टू ज़ा फोर टू थ्री ज़ा सिक्स क्या आया ट्वेंटी थ्री वन को ट्वेंटी थ्री से मल्टीप्लाई करा क्या आएगा ट्वेंटी थ्री तो वन अपॉन्ट टू ऑफ फोर्टी सिक्स कितना है ट्वेंटी थ्री अब बी पार्ट देखिए दिया गया है टू अपॉन थ्री ओफ फर्स्ट पार्ट दिया गया एटीन सेकेंड पार्ट दिया गया ट्वेंटी सेवन फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है टू अपॉन्ट थ्री ऑफ एटीन कितना होगा और सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि टू अपॉन्ट थ्री ऑफ ट्वेंटी सेवन कितना होगा सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे टू अपॉन थ्री ऑफ एटीन कि एटीन का टू अपॉन्ट थ्री कितना होगा तो देखिए टू अपॉन्ट थ्री हमने ऐसे लिखा ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और फिर एटीन अब देखिए थ्री और एटीन ये थ्री से डिवाइड हो रहे हैं थ्री वन 3 थ्री सिक्स ज़ा एटीन टू को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा टू सिक्स 12 ट्वेल्व तो एटीन का टू अपॉन थ्री कितना हुआ ट्वेल्व ठीक है अब सेकंड पार्ट हमें बताना है टू अपॉन थ्री ऑफ ट्वेंटी सेवन कितना होगा तो टू अपॉन थ्री ऑफ ट्वेंटी सेवन देखिए टू अपॉन थ्री मैंने ऐसे ही लिखा ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और फिर ये ट्वेंटी सेवन थ्री और ट्वेंटी सेवन ये दोनों थ्री से डिवाइड हो रहे हैं थ्री वन सा थ्री थ्री नाइन जॉ ट्वेंटी सेवन टू को नाइन से मल्टीप्लाई करें कितना आया एटीन तो आंसर क्या आया एटीन सी पार्ट देखिए दिया गया थ्री अपॉन फोर ऑफ फर्स्ट पार्ट दिया गया सिक्सटीन सेकेंड पार्ट दिया गया थर्टी सिक्स तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि थ्री अपॉन फोर ऑफ सिक्सटीन कितना होगा फिर सेकेंड पार्ट में बताना है कि थ्री अपॉन फोर ऑफ थर्टी सिक्स कितना होगा तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं थ्री अपॉन फोर ऑफ सिक्सटीन तो देखिए थ्री अपॉन फोर ऐसे ही लिखा ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और फिर सिक्सटीन देखिए फोर और सिक्सटीन ये दोनों फोर से डिवाइड हो रहा है फोर वन ज़ा फोर 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 जा, जा सिक्सटीन थ्री को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री फोर जा ट्वेल्व तो आंसर क्या आया ट्वेल्व अब सेकंड पार्ट है थ्री अपॉन फोर ऑफ थर्टी सिक्स तो देखिए थ्री अपॉन फोर ऐसे लिखा ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और फिर ये थर्टी सिक्स फोर और थर्टी सिक्स ये दोनों फोर से डिवाइड हो रहे हैं फोर वन सा फोर फोर नाइन सा थर्ट सिक्स थ्री को नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा थ्री नाइन सा ट्वेंटी सेवन तो आंसर आया ट्वेंटी सेवन अब डी पार्ट देखिए दिया गया है फोर अपॉन फाइव ऑफ फर्स्ट पार्ट दिया गया ट्वेंटी सेकेंड पार्ट में दिया गया थर्टी फाइव तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है फोर अपॉइंट फाइव ऑफ ट्वेंटी कितना होगा और सेकेंड पार्ट में बताना है फोर अपॉइंट फाइव ओफ थर्टी फाइव कितना होगा तो पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट है फोर अपॉइंट फाइव ऑफ ट्वेंटी तो देखिए फोर अपॉइंट फाइव हमने ऐसे लिखा ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई फिर ट्वेंटी का साइन अब देखिए फाइव और ट्वेंटी ये दोनों फाइव से डिवाइड हो रहे हैं फाइव वनजा फाइव फाइव फोर जै ट्वेंटी फोर को फोर से मल्टीप्लाई करा कितना आया फोर फोर जरा सिक्सटीन तो आंसर क्या आया सिक्सटीन सेकंड पार्ट देखिए दिया गया है फोर अपॉन फाइव ऑफ थर्टी फाइव तो देखिए फोर अपॉइन फाइव हम ऐसे लिखेंगे ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और फिर थर्टी फाइव फाइव और थर्टी फाइव ये दोनों फाइव से डिवाइड हो रहे हैं फाइव वन जार फाइव फाइव सेवन जार थर्टी फाइव फोर को सेवन से मल्टीप्लाई करा फोर सेवन जार ट्वेंटी एट तो आंसर क्या आया ट्वेंटी एट तो ये था क्वेश्चन नंबर फाइव आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव सोल्व करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू